आप लोगों के द्वारा एक सवाल किया गया था कि गंगा पथ जो गंगा एक्सप्रेस वे पटना में बन रहा है, बिहार में बन रहा है, वो उसका पहला चरण जहां से शुरू होने वाला है और जहां तक वो आएगा वो कहां पर, यानी कि एन सिन्हा इंस्टीट्यूट कहां पर है। तो आइए हम वो आपको बताते हैं कि एन सिन्हा इंस्टीट्यूट कहां पर है, साथ ही आपको दिखाते हैं कि यहां पर वर्क प्रोग्रेस क्या है। ये सामने देख सकते हैं कि गंगा पथ का काम चल रहा है। ये आप गेट के अंदर की तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ काम होता हुआ दिख रहा है। ये एक रैंप जो है यहाँ से उठेगा या फिर गिरेगा गंगा पथ का, गंगा एक्सप्रेसवे का। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर थोड़ी दूरी पे ही गांधी मैदान का त्रिपश्चिमी छोर है और आगे सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र है। यहाँ से अगर पटना सिटी की दूरी देखी जाए तो 14.7 किलोमीटर के आसपास है और सामने में ये आप गोलघर देख सकते हैं। ये तस्वीरों में आपको दिखा देंगे गोलघर जहाँ पर है। ये गोलघर तो आप सभी पहचानते होंगे, जहाँ पर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास इसका निर्माण चल रहा है। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहीं से गंगा पथ का रैंप उठेगा या गिरेगा। पहले फेज में जो चालू होना है वो यहीं से होगा। यहाँ पर काम चल रहा है, पहला चरण जो गंगा पथ का होगा, जो दीघा से चलेगा और दीघा से चलने के बाद जो आगे बढ़ेगा दीदारगंज की तरफ, तो उससे पहले काफ़ी पहले यहाँ पे एन सिन्हा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये निर्माण चल रहा है। तो ये देख सकते हैं सनसेट हो चुका है और सामने दो चीज़ें दिख रही है पटना की फेमस, एक तो गोलघर दिख रहा है और दूसरा सेंट्रल मॉल दिख रहा है। सामने वाला जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रल मॉल है, ये जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है ये सेंट्रल मॉल है और उसी के यहाँ से देख सकते हैं कि ये गोलघर है। ये सेंट्रल मॉल के बगल में लालिमा लिए हुए सूरज की रोशनी अस्त हो रही है और ये आपका गोलघर है, ये देख सकते हैं ये गोलघर है जहाँ पर ये बांकीपुर पथ है, बांकीपुर दानापुर पथ है जो दीघा चला जाता है। और इसी के समानांतर समझिए थोड़ी दूरी पे गंगा नदी में गंगा पथ बन रहा है जिसका जो रोड होगा वो यहीं से वाई शेप में आएगा, इधर से आ रहा है सामने गंगा पथ है और गंगा पथ के सामने से यहाँ से वाई बन करके ये एक राइट और लेफ्ट चला जाएगा, राइट चला जाएगा दानापुर की तरफ और लेफ्ट चला जाएगा गांधी मैदान की तरफ। ये आ रहा है, ये देख सकते हैं कि ये उधर से आ रहा है गंगा पथ की तरफ से आएगा। लगभग 250 से 300 मीटर इसकी लंबाई है जो कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर। और अप्रोच रोड देख सकते हैं, अप्रोच रोड यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है और यहीं से वाई बनेगा, एक लेफ्ट चला जाएगा एक राइट चला जाएगा। सामने बिस्कोमान भवन भी आपको दिख रहा होगा कैमरे में। यहाँ पर देख सकते हैं कि काम चल रहा है और मार्च का टारगेट है कि इसे पूरा करना है। कम से कम ये जो दीघा से लेकर के यहाँ तक एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक चालू करना है। देख सकते हैं कंक्रीटिंग का काम वगैरह चल रहा है इधर और उधर भी काम चल रहा है। उधर पुल पे लोग घूम रहे हैं, वह पुल कर रहे हैं। उधर रोड पे जो है जो अप्रोच रोड आपको बता देते हैं कि जो इसका अप्रोच रोड जहाँ पर ख़त्म हो रहा है और जहाँ से पुल शुरू हो रहा है वो एरिया है सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के पास, जो सब के कैंपस में जो सभ्यता द्वार बना है, सिविलाइजेशन गेट बना है, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है। तो लोग जानना चाह रहे थे कि एन सिन्हा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आपको बता देते हैं कि एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जो है गांधी मैदान के पश्चिम दिशा में उत्तरी कोने पर है। तो ये देख सकते हैं जस्ट इसके बराबर में मगध महिला कॉलेज है, गर्ल्स हाई स्कूल है और उधर अशोक कन्वेंशन केंद्र है, उसी के समानांतर ये हम अभी चल रहे हैं गंगा किनारे की तरफ जहाँ पर ये काम सब यहाँ पर हो रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आगे चलेंगे तो आगे और भी चीज़ें आपको दिखेगी। जब हम चलेंगे आगे वहाँ पाया वगैरह बना हुआ है, एम्बैकमेंट वगैरह बना हुआ है जो संपर्क कर रहा है उससे एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास रोड से। और इसी के आगे आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको वो जो इसका एलिवेटेड पार्ट है, जो पुल है, वो शुरू हो जाता है। देख सकते हैं कि
ये जो मिट्टी वगैरह भरने का काम तो बहुत पहले हो गया था, ये फिलहाल पानी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सामने पानी दिख रहा है, अमूमन ये सूखा हुआ रहता है, लेकिन अभी यहाँ पर पानी दिख रहा है। इधर जाना ये नहीं है। तो ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास जो गंगा पथ है, जहाँ पर शुरू होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ पे होगा। यहाँ पे देख सकते हैं काम चल रहा है, ये लोग काम कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं चीज़ों को। और यहाँ पर वॉल, काफ़ी बड़ा वॉल जो है, दीवार जो है वो खड़ा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। जब यहाँ पे मिट्टी भराएगा तो मिट्टी का दबाव उसे रोकेगा। ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से काम चल रहा है। तो उम्मीद है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है और कहाँ पर ये गंगा पथ निकलेगा, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुँचती रहे। उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इन सिन्हा का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।